अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स, आज हम ये ट्यूब रोज के बल्ब शो करने जा रहे हैं। ये मैंने 9 बल्ब लिए हैं, माशाल्लाह बहुत हेल्दी बल्ब है। और ये जो है ये इनके हेल्थ का अंदाज़ा इनके साइज़ से हो सकता है। अच्छा, इसको शो करने के लिए हम ये मिट्टी तैयार करेंगे। इसमें एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा रेत यानी सैंड, और एक हिस्सा को ये वो है पीट मॉस में परलाइट मिक्स है, और ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है। पीट मॉस ना हो तो उसकी जगह हम कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। इन चारों को मिक्स करके पॉट में भर लेंगे इस तरह से। रेत हमने इसलिए डाली है कि वो बल्ब्स जो हैं उनको पोरस मिट्टी चाहिए होती है, तो रेत जो है वो पानी को ठहरने नहीं देती है। इस तरह मिक्स करके हम पॉट में भर लेंगे। मिट्टी मिक्स करके पॉट में भर ली है। ये 24 इंच का पॉट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इन 9 बल्ब्स के लिए। देखते हैं इस पॉट में कितने बल्ब आते हैं। मेरे ख्याल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बल्ब काफ़ी होंगे इसमें। 3 मैं अलग पॉट में कर लूँगी। इसके लिए, इसको शो करने के लिए हमें इससे डबल साइज़ का गढ़ा बना के इसको अंदर डालना। इसको रूट साइड नीचे और टिप साइड ऊपर ये इस तरह लगा के। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप बस इतना इसको डालें, आपको टिप ऊपर से नज़र आए, ऐसे भी डाल सकते हैं ताकि ग्रोथ पॉइंट आपको नज़र आए। फिर बाद में ये पॉट में जैसे मैंने जगह छोड़ी है, तो बाद में जब प्लांट ग्रो हो जाए आप तो थोड़ी मिट्टी और इसमें डाल दें। इससे ये होगा कि जैसे ही बल्ब में ग्रोथ स्टार्ट होगी आपको फौरन पता चल जाएगा। और इसको मिट्टी के अंदर दबा भी सकते हैं। इसमें ऑलरेडी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, ये हो गया। अब इसको हम पानी दे देंगे। इसके ऊपर से पानी नहीं देंगे, साइड से पानी देंगे। ऑन कर दो। मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी, इसलिए इसको अच्छी तरह से पानी देंगे कि पॉट के नीचे से निकलना शुरू हो जाए पानी। ना कर दे, ये पानी जज्ब हो गया है इसमें। अभी नीचे से पानी आना शुरू नहीं हुआ, तो हम थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें ताकि मिट्टी अंदर तक गीली हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसको उस वक्त पानी देंगे जब पूरी मिट्टी नीचे तक अच्छी तरह सूख जाएगी और इस बल्ब, इन बल्ब्स की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये नीचे से पानी आना शुरू हो गया है, ये देखिए यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया। अब इस पॉट को हम बैक साइड पे रख देंगे जहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती है, सिर्फ सुबह की धूप आती है। जब इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इसको हम फुल धूप वाली जगह पे रख देंगे।